हेलो बच्चों, एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि पहली कट ऑफ के बाद बहुत सारे स्टूडेंट को एक दिक्कत आई थी, एक प्रॉब्लम आई थी। जो कोई भी बच्चे एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कोई भी कास्ट से आते हैं, बिलोंग करते हैं, पहला जो लिस्ट आया है उसमें बहुत सारे बच्चे मुझे भी ये मैसेज करके बताया कि भैया हमारे एप्लीकेशन फॉर्म को कॉलेज ने रिजेक्ट कर दिया। मतलब हम कॉलेज में एलिजिबल तो थे, कॉलेज में हमारी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग नाम भी आ गई थी, लेकिन स्टिल हमारा जब हमने एडमिशन के लिए एक्सेप्ट करा, जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया तो कॉलेज ने उसको रिजेक्ट कर दिया। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपकी जो सर्टिफिकेट जो बनाई है आपने, जैसे फॉर एग्जांपल ओबीसी का एक बच्चा मुझे मैसेज किया था कि मेरे फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया कॉलेज के द्वारा, क्योंकि आपका जो फॉर्म का जो फॉर्मेट है, जो आपको सेंट्रल का फॉर्मेट दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने बुलेटिन में डाला है, चाहे वो एसटी हो एससी हो ईडब्ल्यूएस, उससे अगर 1% की भी अगर चेंजेस है, मतलब उस तरीके से अगर नहीं है जैसा डीयू ने बोला है एग्जैक्टली ऐसा होना चाहिए अपने बुलेटिन में, तो आपकी फॉर्म को रिजेक्ट कर दी जा रही है। और आपकी जनरल कैटेगरी से अगर आप एलिजिबल होते हो तो ही एडमिशन होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी इस केस में। तो ऐसे की सिचुएशन में आपको मैं कहूंगा कि सेकंड लिस्ट आने से पहले आप फटाफट से अपनी ये गलती को सुधार लो। अगर आपकी जो सर्टिफिकेट है वो डीयू के बुलेटिन से नहीं मैच करती तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए आपके पास एक ऑप्शन है कि फटाफट से सेकंड लिस्ट से पहले अपनी इस सर्टिफिकेट को सुधार लो, तभी आपकी एडमिशन हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। थैंक यू सो मच, लव यू, टाटा बाय बाय।